केजरीवाल के आरोपों पर स्मृति ईरानी का पलटवार, बोली नोटा से भी कम वोट पाने वाले पीएम पर कर रहे कटाक्ष। दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल जानबूझकर एमसीडी का फंड रोकते हैं, जिसके चलते नगर निगमों के काम में बाधा आती है। केजरीवाल ने नगर निगम का 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपए रोक के रखा ताकि निगम अपने कार्यों में विफल हो। उन्होंने पूछा क्या केजरीवाल ये जवाब देंगे कि क्यों उन्होंने दिल्ली में सफाई कर्मी सफाई व्यवस्था के फंड को निगम की परिधि में रोक के रखा है। दिल्ली में जिन पार्क में बच्चे खेलने के लिए इच्छुक हैं, उन पार्कों की मेंटेनेंस का पैसा क्यों केजरीवाल रोक कर बैठे हैं? आम आदमी पार्टी की लहर है, हास्यास्पद है कि जिस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिला, जिस आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में 70 सीटों में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई और जिस आम आदमी पार्टी के गोवा में मात्र 6% वोट मिला, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष करने का कारण कि वो दिल्ली में निगम का रिफॉर्म उसका समर्थन नहीं करना चाहते। रिफॉर्म के विरोध में अरविंद केजरीवाल स्वयं उपस्थित होंगे, ये शायद दिल्ली के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन दिल्ली के नागरिक वो नजारा भी देख चुके जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्वतः नगर निगम का गत 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपया रोक के रखा ताकि निगम अपने कार्यों में विफल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।